छदामी लाल जी की तरफ से सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पारोली ग्राम पंचायत में हैं और हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी हैं। जानते हैं प्रधान जी के बारे में कुछ नहीं। प्रधान जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। हाँ जी, पारोली सुकरवार के रहने वाले हम, जिला आगरा, थाना फतेहाबाद, जिला आगरा, तहसील फतेहाबाद। आपका नाम प्रधान जी? नाम सुनाम सुधामीलाल जी। प्रधान जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप चुनाव तो जीत चुके हैं, पर अपनी अपनी जनता से आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव के बाद, जीतने के बाद? जीतने के बाद साहब, हम सबको जनता को एक से रखते हुए और विकास की कड़ी में जुड़े हुए विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आपसे आखिरी मेरा एक क्वेश्चन और है। आप चुनाव जीत गए, 5 साल के लिए आपको जनता ने चुना है, तो आपका एजेंडा क्या होगा ग्राम पंचायत में अपने विकास को लेकर? ग्राम पंचायत में सब विकास की तो हम झड़ी लगा दें, विकास सरकार देगी, झड़ी लगा दें, विकास करेंगे, विकास विकास करेंगे सब। नहीं, जैसे कोई मुख्य मुद्दे हो, नाली खरंजा वगैरह को लेकर कुछ ऐसा मुद्दा है? खरंजा ये सब करेंगे हम, और इंटर कॉलेज बनाएंगे कि हमारा विचार है, हमारे यहाँ लड़की अनपढ़ रह जाती है, और अब बढ़ते हमारा ज़्यादातर तो ध्यान ये है कि लड़कियाँ हमारे यहाँ शिक्षित हो, अशिक्षित रह जाती है, यहाँ ब्लॉक में 10 किलोमीटर गाँव में बजाने माँ को पहुँचने पावन पड़ेगी। बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ऐसा आपको पता है अभी एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है कोरोना के नाम से, तो आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इनसे उसका बचाव हो सके? हम सबको संदेश दे रहे हैं साहब का, आप जो बच के झुंड में लगाओ, कौन इकट्ठे मत बैठो, और बाकी के बारे में और सब मास्क लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे, अभी हम ग्राम पंचायत पारोली में थे और हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी थे। बहुत न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।